हाय गाइस, आज हम इस वीडियो में ड्रॉ करने वाले हैं कलर पेंसिल ड्राइंग। मैंने पहले भी आपको कलर पेंसिल ड्राइंग के बारे में बताया हुआ है, बट इस बार हम कुछ अलग पेंसिल यहाँ पे यूज़ करने जा रहे हैं। तो अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है, कलर पेंसिल ट्यूटोरियल्स भी हैं और कुछ टाइम लैप्स वीडियो भी, आप वो भी जाकर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हाय गाइस, आप यहाँ देख सकते हैं मैंने आउटलाइन ड्रॉ करी हुई है, और वो भी मैंने इस बार येलो पेंसिल से आउटलाइन ड्रॉ की है। वो इसलिए गाइस क्योंकि अगर ग्रेफाइट से करते हैं तो ग्रेफाइट मिक्स होता है कलर में, इसलिए अगर आपको कलर स्केच बनाना हो तो आप लाइट पेंसिल से ही, मतलब लाइट शेड से ही आउटलाइन ड्रॉ करें, राइट। सो जो मैं यहाँ पे पिक यहाँ पे जो सिलेक्ट कर की है वो एक साउथ एक्ट्रेस है, नेम मुझे अच्छे से याद नहीं है इनका नेम क्या है, तो मुझे पिक बहुत अच्छी इसलिए मैंने ये चूज़ की। और यहाँ पर जो मैं पेंसिल आज यूज़ करने वाला हूँ वो है स्टैडलर लूना वाटर कलर पेंसिल। हम इसे वाटर कलर भी कर सकते हैं और सिंपल हम इसे शेड्स भी कर सकते हैं। और यहाँ पर साथ में मैं यूज़ कर रहा हूँ ब्लैक कलर प्रिज्मा कलर की, क्योंकि मेरे पास स्टैडलर में ख़त्म हो चुकी है ब्लैक पेंसिल, इसलिए मैं प्रिज्मा कलर पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। इसके साथ साथ जहाँ जहाँ हमें आइज़ में करना हो या हेयर में करना हो। सो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ पीच कलर। आप देख सकते हैं कि मैं एक ही डायरेक्शन से जाऊँगा, मतलब पूरे फेस पर जो भी मुझे शेड्स करना है वो एक ही डायरेक्शन में लेके जाऊँगा क्रॉस हैचिंग से। तो आपको भी एक ही डायरेक्शन में लेके जाना है तो स्केच बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ पर हम अच्छे से इसको ब्लेंड तो कर नहीं सकते प्रिज्मा कलर की तरह, क्योंकि प्रिज्मा कलर तो अच्छे से ब्लेंड हो जाते हैं बट ये पेंसिल अच्छे से ब्लेंड नहीं हो सकती, क्योंकि ये वाटर कलर पेंसिल है। हम इसको पूरा शेड करके ऊपर इसके वाटर कलर भी कर सकते हैं। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है इस पेंसिल के ऊपर कि वाटर कलर से कैसे यूज़ कर सकते हो, बिना वाटर कलर के कैसे यूज़ कर सकते हैं, बट पता नहीं क्या वो वीडियो YouTube पे ही प्ले नहीं हो पाती, इसलिए मैं उस वीडियो को आपके लिए फिर से यहाँ पे री अपलोड करूँगा ताकि आप देख सकेंगे कि हम कैसे वाटर कलर भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। मैं बहुत टाइम बाद स्टैडलर लूना पेंसिल जो है कि यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत टाइम से मैंने यूज़ नहीं की है, क्योंकि प्रिज्मा कलर ले आया था, प्रिज्मा कलर के बाद तो मैंने बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया, तो आज मैंने सोचा चलो इन पेंसिल को यूज़ करते। तो जब मैंने इन पेंसिल को यूज़ किया तो गाइज मुझे लगा कि यस मेरे जो स्केच हैं पहले से अकॉर्डिंग लूना पेंसिल से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि मैंने प्रिज्मा कलर पेंसिल को यूज़ किया है और मैं उसी की तरह इस पेंसिल को यूज़ कर रहा हूँ, लाइक एक ही डायरेक्शन में चलना बस बिना ब्लेंडिंग के। वहाँ पर तो वाइट कलर से ब्लेंडिंग हो जाती है बट यहाँ पर वाइट कलर से ब्लेंडिंग नहीं हो पाती, बट जो कलर से एक एक्सप्रेशन देना मुझे नहीं आता था वो अब मुझे आने लग गया है। तो आप इस फेस को पूरा ध्यान से देखना, मैंने पहले कभी भी इस पेंसिल से इतने अच्छे एक्सप्रेशंस नहीं दिए जैसे इस स्केच में आएंगे। सो गाइस आप देखना कि मैं कैसे यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, आप भी सेम, बिल्कुल भी मैंने कुछ इसमें अलग नहीं किया है, बस सिर्फ शेड्स को एक दूसरे में मिक्स किया है और जहाँ पे लाइट है वहाँ पे लाइट किया है, जहाँ पे डार्क है वहाँ पे डार्क किया है। और अगर मैं ब्लेंड टूल्स की बात करूं तो मैंने बहुत कम ब्लेंडिंग यहाँ पे, मतलब ब्लेंडिंग स्ट्रम का थोड़ा सा यूज़ किया है, ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, बिल्कुल ही कम यूज़ किया है। सो गाइस हम ब्लेंडिंग टूल्स के और बिना एक्स्ट्रा किसी टूल्स के भी सिर्फ पेंसिल शेड से ही हम एक रियलिस्टिक स्केच ड्रॉ कर सकते हैं। आप इस पूरे स्केच को देखना और मुझे कमेंट पे जरूर बताना कि आपको ये कैसा लगा। हम यहाँ पे सिर्फ फेस ड्रॉ करने वाले हैं, हेयर हम कल के वीडियो में ड्रॉ करेंगे, आपको बताऊंगा कि आप कैसे हेयर ड्रॉ कर सकते हैं कलर पेंसिल से, लूना पेंसिल से।
सो गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए। जो इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट पे पूछ सकते हैं। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।